हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपको दोस्त पंकज रॉय, और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक प्रीमियम चाय या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी ग्रेड का या फिर क्वालिटी अच्छा के अच्छा चाय का मतलब गोल्डन कप के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे आपको चाय मिल जाएगी कि गोल्डन कप प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरह का कप आएगा दोस्तों, ठीक है, और देखने में भी सुंदर होगा और उसका रेट भी आपका आपका प्रीमियम के हिसाब से ही होगा, याद रखिएगा। और क्या होता है कि इस तरह का आपका पत्ती भी होगा। एक्चुअली ये मैंने किसी दूसरे पत्ती का फ़ोटो लगा दिया, लेकिन फिर भी पत्ती इसी तरह का होगा, ठीक है। अब बाद में कमेंट मत कीजिएगा ये पत्ती ये क्या सही है, सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, ये इसका पत्ती है, ठीक है। लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए या फिर आपके अट्रैक्शन के लिए कुछ पत्ती चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने आपके मेरे मोबाइल पर कुछ फ़ोटो था वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को, जो भी हो। सो गाइस, क्या होता है कि ये एक कप है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिकर, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और कप एक येलोश कप बना है इसका गोल्डन, और ये एक फैक्ट्री का माल, एक्चुअली फैक्ट्री का माल, ये शैम प्रीमियम करके फैक्ट्री है, और ये कोई गार्डन का माल नहीं है, ये फैक्ट्री का माल है, ठीक है। और इस तरह बीपी का आपका कप है। तो अभी हम पूछेंगे कि इसका रेट क्या है। देखिए रेट तो अभी हम नहीं बताएंगे डायरेक्टली, क्योंकि रेट बताना गलत होगा, क्योंकि रेट आपको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मतलब अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, कोई गारंटी होता नहीं, किसी का भी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन एक मैं अंदाजा के हिसाब से मैं आपको बोल देता हूँ कि 180 से ले कर 230 के अंदर इसका रेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का कप का, ठीक है। सो आप लोग ये कप खरीद सकते हैं और ये कप आप सेल कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये आपका ज़्यादातर आपका गुजरात पे ज़्यादा चलेगा, मेरे हिसाब से गुजरात पे चलेगा ये, और नहीं नहीं ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी चल जाएगा ये क्वालिटी, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी है, अच्छा है, टेस्ट है इसमें, और आपको रेगुलर प्रोवाइड भी कर सकेंगे। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि गार्डन का चाय लेना सही होता है, फैक्ट्री का नहीं होना चाहिए। देखिए फैक्ट्री का भी चाय लेना ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा मुनाफेदार हो जाता है, पता है क्यों? देखिए फैक्ट्री का क्या करते हैं, फैक्ट्री का सिस्टम क्या है मैं आपको तो बता देता हूँ। मान लेते जोरहाट करके अपर असम में एक जगह है, वहाँ पे फैक्ट्री है, और जोरहाट में आप लोग पता है अपर असम में हर जगह पे आपका चाय का खेती होता है, ठीक है, हर जगह के पे चाय, छोटे छोटे गार्डन होते हैं, छोटे छोटे प्राइवेट आपका गार्डन होते हैं, तो उनके सामने क्या होता है एक फैक्ट्री लगा दिया जाता है, ठीक है, ये फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे गार्डन होते हैं उनसे चाय परचेस करके यहाँ पे लाया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री लोग क्या करते हैं, चाय बना के यहाँ पे ये पत्ती प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको ये जो हुए मतलब ये जो फैक्ट्री है ये बल्क में खरीदते हैं, ताकि इसका जो रेट है वो सही मिल जाए, कुछ 25-30 रुपये इस तरह का रेट में वो खरीद लेते हैं बल्क में, ठीक है। बल्क में जब खरीदते हैं, बल्क में ख़रीदने के बाद क्या होता है, ये चाय बनाते हैं, चाय पत्ती रेडी करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि इसका क्वालिटी कैसे डिसाइड होता है। देखिए बहुत सारा कप बना है, बहुत सारा आपका लॉट होता है, हज़ारों लॉट होता है, एक महीने में हज़ारों लॉट होते हैं, सभी के सभी लॉट चेक किया नहीं जा सकता, आप याद रखिएगा, हर लॉट कभी कभी चेक मतलब छोड़ भी दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हाँ इसका ऐसा होगा तो इसका भी वैसे होना चाहिए, तो उस तरह से आइडिया के हिसाब से रेट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा हम एज ए जनरल कस्टमर, एज अ जनरल ब्रोकर या फिर एज अ जनरल कंज्यूमर के हिसाब से हमारा क्या फ़ायदा होगा फैक्ट्री से लेने से, फैक्ट्री से लेने से हमारा ये फ़ायदा होगा, कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम क्वालिटी का भी चाय भी आपको बहुत ही कम रेट पे मिल जाता है, बहुत ही कम रेट पे, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कम में मिल जाता होगा। मान लेते कि आप 150 रुपये में चाय खरीदे, लेकिन उसका क्वालिटी जो है वो 250 रुपये का है, ठीक है। जब आप गार्डन से लेंगे तो गार्डन का चाय का क्वालिटी लगभग सेम ही रहता है, हर टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री का हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, उसका कोई क्वालिटी का कोई 100% गारंटी नहीं होता है, वो कभी अच्छा भी देगा कभी ख़राब भी देगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या खरीदते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप फैक्ट्री का चाय खरीदते हैं तो आपको एक कभी कभी सोना हाथ में सोना लगने का चांसेस रहता है, ठीक है, हाथ में सोना लगने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैं कभी कभी फैक्ट्री का ज़्यादातर काम फैक्ट्री का मैं करना पसंद करता हूँ, इसीलिए बाकी गार्डन का भी मैं करता हूँ,
लेकिन फैक्ट्री का मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं चेक, क्योंकि मेहनत करके मैं खुद तलाशता हूँ। जैसे होता है ना कि कोयले में हीरा निकलता है, इतना बड़ा कोयला है, इसके अंदर छोटा छोटा हीरा होगा, तो वो ढूंढ के निकालना होगा ना आपको। अभी ढूंढने के लिए क्या करें, आप तो खुद ढूंढ नहीं पाएंगे, ढूंढने के लिए मुझे आपको लेना होगा, मतलब आपको किसी को हायर करना होगा। तो मैं आपके लिए हायर करने के लिए अभी मैं आपके लिए हूँ, आप मुझे मेरा हेल्प ले सकते हैं मेरे साथ काम करके, ठीक है। तो मैं आपको कोयले में हीरा ढूंढ के दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, याद रखिए ये बात, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा ये नंबर है दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरा खुद का कोई फैक्ट्री नहीं है, खुद का कोई कुछ भी नहीं है, मैं बस लोगों से परचेज करता हूँ और आपको मैं देता हूँ, ये मेरा काम है। और मैं गुवाहाटी से हूँ, असम गुवाहाटी पे मैं रहता हूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं रहता हूँ, मतलब थोड़ा आसपास रहता हूँ, लेकिन गुवाहाटी से मैं काम करता हूँ कम्प्लीटली काम जो है, ठीक है। तो ये होता है, और इस तरह का अगर कब चाहिए होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, बात कीजिए मेरे साथ, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे क्वेश्चन कीजिए, फ़ोन कीजिए, या फिर आपको परचेज करना है तो आप डायरेक्टली आसाम विजिट भी कर सकते हैं, आप आसाम आके मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ मीट करूँगा, आपको सैंपल शो करूँगा, आपके पास माल आ जाएगा, पेमेंट करके माल लेके जाइएगा, बिंदास होगा, ठीक है। तो आप आसाम कभी भी आ सकते हो, वेलकम करते हैं हम, आप गुवाहाटी पे आ जाइए कभी भी, ओके। सो ये होता है हमारा काम करने का प्रोसेस, आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि असम के हर गार्डन पे जाओ, मतलब जितने भी गार्डन है वो विज़िट करो, एक इंटरव्यू लूँ गार्डन के मालिक या फिर गार्डन के मैनेजर का, और इस तरह का एक व्लॉग वीडियो भी शुरू करने का मैं सोच रहा हूँ गार्डन विज़िट का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।